सिंगरौली जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस के द्वारा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि सिंगरौली जिले में जेपी हिंडाल्को, एसआर, रिलायंस एनसीएल, एनटीपीसी सहित कई कंपनियां हैं। यह जिला औद्योगिक क्षेत्र है। सिंगरौली जिला पूरे देश में ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है। यहां तमाम निजी कंपनियां उद्योग चला रही हैं। सिंगरौली की जनता को स्वास्थ्य को लेकर उपचार के लिए रीवा या जबलपुर या उत्तर प्रदेश के बनारस, लखनऊ का सहारा लेना पड़ता है। इस समस्या की वजह से हम लगातार प्रदेश सरकार को इस समस्या से अवगत कराते आ रहे हैं, साथ ही सिंगरौली कलेक्टर से भी लगातार बात कर रहे हैं। विधायक बैस ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए भवन निर्माण जल्द कराया जाएगा। चूँकि मेडिकल कॉलेज के 13-14 में ही हम लोग शुरू कर दिए थे, बराबर मुख्यमंत्री से वहाँ किए भाई मेडिकल कॉलेज आप यहाँ करवाइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समय आने दीजिए, समय के हिसाब से ही मेडिकल कॉलेज मिलेगा। निरंतर हम लोगों ने यहाँ कई मूलभूत मांगों को रखा, इसलिए कि औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते नितिन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना और तमाम प्राइवेट औद्योगिक घराने यहाँ अपने अपने प्रोजेक्टों को स्थापित किए हुए हैं और उनके यहाँ कहीं कहीं निरंतर दुर्घटनाएं या तरह तरह की विभिन्न प्रदूषण के लेकर के बीमारियां ग्रसित होती है। इसे लेकर हम लोगों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज आवश्यक रूप से यहाँ पर होना चाहिए और एक बड़ा अस्पताल हो, जिससे यहाँ के लोगों को इलाज की और उनके देख रेख की संभावना व्यक्त किया जाए, जिस पर केंद्र सरकार कृपा से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान हुई। मैं केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सिंगरौली पर पूरी ध्यान रखा, साथ ही राज्य सरकार भी निरंतर उस प्रयास में है कि एमओ हो जाए जल्दी और एमओ के बाद निविदा होगी और प्रयास होगा कि शीघ्र साल दो साल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूर्ण हो। जैसा विधायक जी, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिले तो कुछ दिन बीत गए हैं, जल्दी भवन निर्माण का निर्माण हो सके उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? निरंतर मैंने अभी भी अप्रैल में एक पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और केंद्र सरकार को दोनों को लिखा कि सिंगरौली में आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का अनुमोदन तो कर दिया गया है, किंतु इसका निर्माण करने की प्रक्रिया के लिए हम हो और निविदा जारी हो, ये मैंने पत्र लिखा था, जिसके उत्तर मुझे मिला है कि इस पर शीघ्र ही विचार चल रहा है और आने वाले भविष्य में आपका मेडिकल कॉलेज का मूर्त रूप दे दिया जाएगा।